दोस्तों राजस्थान के अंदर भी राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम लागू हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल इसकी घोषणा कर दी गई है। राजस्थान में पटवारी क्लर्क समेत 24 भर्तियों के लिए होगा सीईटी। इसके जो भी नियम हैं और किस प्रकार से ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा इसके बारे में दोस्तों सारी कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान में पटवारी क्लर्क समेत 24 भर्तियों के लिए होगा सीईटी। इसके जो भी नियम हैं वो हम देखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा समान पात्रता परीक्षा सीईटी लागू कर दी गई है, जो आपके रेलवे एसएससी आईबीएस भर्तियों की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सीईटी कराएगा। जो आपके नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो आपके राजस्थान में सीईटी एग्ज़ाम करवाएगा, जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारे जो वैकेंसीज है उनके लिए फार्म हम अप्लाई कर सकते हैं। यह एक प्रकार से प्री एग्ज़ाम की तरह होगा, जिसको क्वालिफाई करने के बाद हम दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे रेलवे एसएससी आईबीबीएस इनकी जो एग्ज़ाम है वो हम दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों 20 सेवाओं की 24 भर्तियों के लिए एग्ज़ाम होगा। इसमें ग्रेजुएट लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल की 8 सेवाएं शामिल हैं। इसमें पटवारी, एलडीसी, क्लर्क, ग्राम विकास अधिकारी जैसी भर्तियां भी शामिल है। तो दोस्तों अब इन वैकेंसीज के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी, एक सीईटी एग्ज़ाम और एक इनका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी, तो कार्मिक विभाग ने बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब यह परीक्षा अधीनस्थ मंत्रालय सेवा के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए लागू होगी। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अंदर दोस्तों आरक्षण की व्यवस्था भी लागू रहेगी। तो आपको यहाँ पर आरक्षण भी मिलेगा और इसके अंदर दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो सीईटी एग्ज़ाम है ये अभी वर्तमान में चल रही भर्तियों पर लागू नहीं होगा। जैसे वर्तमान में आरएसएमएसएसबी की जो पटवारी की वैकेंसी है उस पर सीईटी एग्ज़ाम लागू नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें ये जो सीईटी एग्ज़ाम है इसकी वैलिडिटी जो है 3 साल तक रहेगी। आप अगर एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो 3 साल तक आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दोस्तों इस एग्ज़ाम को आप कितनी भी बार दे सकते हैं, इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो दोस्तों अभी राजस्थान में ये एक प्रकार से प्रीलिम्स परीक्षा की तरह होगा सीईटी, जिसके आधार पर दोस्तों जो नई भर्तियाँ हैं उनको अंदर हम अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों राजस्थान और अन्य गवर्नमेंट वैकेंसी से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।